किचन में कुछ ऐसा टिप्स रहता है जो हमारा काम का मुश्किलों से दूर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई कुछ किचन टिप्स। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अक्सर हम सब लोग ये गलती करते हैं, जब हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं, कपड़े के साथ साथ पॉकेट में हमारा पैसा भी रह जाता है, वो पैसा भी बिक जाते हैं और इतना टाइम भी नहीं रहता है हम लोग धूप में जाके पैसा सुखाओ या पंखे के नीचे रखो। तो आज मैं ऐसा कुछ टिप्स बताऊंगी आप लोगों के साथ, बिल्कुल एक सेकेंड के अंदर हमारा जो पैसा है गीला जो पैसा है वो पूरा सूख जाएगा एक मिनट के अंदर। तो चलिए वो टिप्स क्या है देख लेती। इस हैक के लिए मैंने यहाँ पे चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। चावल से क्या होता है, हमारा मॉइस्चराइज जो है जल्दी सूख लेता है। अगर आप लोग चाहे दाल से भी कर सकते हैं। और चावल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करने का और पैसा जो है वो डायरेक्टली पैन में नहीं डालने का, नहीं तो हमारा पैसे का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, हल्का सा चावल को रोस्ट कर लेंगे, ये देखो। इस चावल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करने का, आप देखो यहाँ पे हल्का सा मेरा चावल जो है वो रोस्ट हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दिया और गीला हुआ नूट को मैंने अभी इस तरह से डाल रहा हूँ, ये देखो। ये नूट क्या है, बहुत ज़्यादा गीले नहीं है, अगर गीले भी हो ये चावल से क्या है ये दिक्कत दूर करने के लिए बहुत हेल्प करेगा, ये देखिए। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल बंद है, कुछ सेकंड के बाद मैं दिखाऊंगी हमारा गीला जो नोट है वो किस तरह से चावल से सुखाया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। जब भी ऐसा कोई दिक्कतें आए तो घर पे ढूंढ के हम लोग कोई ना कोई हैक निकल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा नोट जो है बिल्कुल पहले की जैसा ऐसा लग रहा है। तो आप लोग ये टिप्स ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए दूसरी टिप्स में, तो अगला टिप्स भी हमारा किचन स्टोर की रिलेटेड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं चावल को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया। क्या है, हमारा चावल में कभी कभी कीड़ा पड़ जाते हैं और बारिश के मौसम में थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपको लग रहा है आपका चावल ख़राब हो रहे तो आप क्या करते हैं, इस तरह से रोस्ट करके आप स्टोर करके रख सकते हैं। इससे हमारा चावल क्या होता है, ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए, ये तो मेरा चावल जो है पैसे के साथ भी रोस्ट हो चुके हैं, ये देखिए। तो आप लोग चाहे ये टिप्स भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए तीसरा टिप्स में, तो तीसरा टिप्स है हमारा, यहाँ पे देखो व्हाइट चना और ब्लैक चना ले लिया। इसको तो हम रोस्ट कर नहीं सकते, इसको रोस्ट करोगे तो ऊपर का जो लेयर है वो ब्लैक हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया टिप्स बताने में जा रहा हूँ, आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मिर्ची ले लिया, रेड वाला जो मिर्ची रहता है ये ले लिया सूखा। तो इसको हमें क्या करेंगे, यहाँ पे डाल के रख देंगे। इसका ढक्कन जो है वो बंद करके बहुत दिन तक वो अच्छा रहेगा, कुछ कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं आएगा, वो अच्छा रहेगा। तो आप लोग चाहे मेरा ये तीन टिप्स फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।